साइन करके देंगे, यानी कि सब्सक्राइब करने से पहले मेरी आइडेंटिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। यस ना? यस सर। आप जानते हैं कि अगर आज आप सिम खरीदते हैं तो पहले तो था कि 2 से 3 दिन के बाद आपका सिम एक्टिवेट होता था, अब 1 घंटे या 2 घंटे में हो जाता है। यानी कि अब इंटरनेट इतना फास्ट हो गया है कि तुरंत उसका फोटो लिया तो आधार कार्ड चेक किया, हाँ ये बंदा सही है, इसने जो भी डॉक्यूमेंटेशन दिया है वो सही है, उसको तुरंत वेरीफाई किया और ओके कर दिया और 2 घंटे में आपका सिम चालू हो गया। वजह आपकी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई हो गई। कोई दिक्कत? नो सर। अभी तक ये याद करने की नौबत थी, अभी आप समझ रहे हैं। सब्सक्राइबर इसीलिए क्योंकि हम उस चैनल से जुड़ने जा रहे हैं, हम उस सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इसलिए क्योंकि हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो चुकी है या हम दे देंगे। ऐसा भी होता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को डाउट है? मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब होता है प्लान सिस्टम। प्लान सिस्टम में पहला, आप जो सिम यूज कर रहे हैं वो प्रीपेड करेंगे या पोस्ट पेड करेंगे, ऐसा प्लान होता है कि नहीं? या आप में से कुछ प्रीपेड और पोस्ट पेड नहीं समझते हैं, बता दीजिए। तो मतलब समझ नहीं, मतलब समझते हैं। प्रीपेड का मतलब है कि हम पहले ही पैसा दे देंगे और महीने भर यूज करेंगे। जियो में हम 3 महीने का रिचार्ज करते हैं, एयरटेल में भी 3 महीने का रिचार्ज करते हैं, तो पैसा पहले देते हैं कि पहले यूज करते हैं? पहले देते हैं। देते हैं तो जब पहले पेमेंट दें बाद में यूज करें तो क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड माने जमा करना, प्री माने पहले। कोई दिक्कत? पोस्टपेड में क्या होता है, हम सिम ले लेंगे, महीने भर यूज करेंगे, मेरी बिल आती रहेगी जैसे बिजली। लेकिन अब आपको ये बता दूं, बिजली का सिस्टम भी प्रीपेड हो गया है, कई इलाकों में प्रीपेड हो गया है। इवन मेरे घर में अब प्रीपेड बिजली मीटर लग गया है, पहले ही मुझे रिचार्ज कर देना होता। मैंने मान लीजिए मैंने 500 का रिचार्ज कर दिया और 500 का मेरा रोज बिजली कटता रहेगा। तो अगर आज ये चीज नहीं समझोगे तो बिजली की मशीन जब आएगी तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जब एक जगह हम टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं तो जगह जगह हमें काम आ जाता है। कोई दिक्कत? तो प्रीपेड में मतलब कि पहले पैसा दे दिया बाद में उसकी सर्विस यूज करेंगे। ज्यादातर कस्टमर किसके हैं? प्रीपेड ज्यादातर कस्टमर। कोई दिक्कत? पोस्ट पेड में क्या होता है कि हम पहले यूज करेंगे बाद में पैसे दें। कोई दिक्कत? ज्यादातर अभी भी किसी के घर में या ऑफिस में रिसीवर वाला फोन होगा, वह पोस्ट पेड होता है। जैसे अपने ऑफिस में मेन गेट पर एक रिसीवर वाला फोन है, yes, वो भी पोस्ट पेड होना चाहिए। हो सकता है उन्होंने प्रीपेड रखा हो, लेकिन ज्यादातर रिसीवर वाले फोन कैसे होते हैं? पोस्ट पेड।